Realme 7 के अंदर Realme 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म आपको कब देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे गाइस लाइव फॉर्म आपको कब देखने को मिलेगा एंड आपको जो है अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है, क्या कुछ एलिजिबिलिटीज़ है, वो सब आपको मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टाइम है आपके पास अगर आप Realme 3.0 का अपडेट पाना चाहते हो। यहाँ पे वीडियो को एंड तक वॉच करना, यहाँ पे वीडियो के ऊपर 200 लाइक्स कंप्लीट कर देना। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करें। बात करें रिक्वायरमेंट्स की, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही है कि आपके डिवाइस के अंदर लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। अभी के टाइम पे जो रनिंग वर्जन चल रहा है वो C.16 का चल रहा है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा अपना C.16 के ऊपर अगर आपने अपग्रेड नहीं किया तो जल्दी से अपडेट कर लो C.16 अपडेट को अपने डिवाइस के अंदर। क्योंकि जब तक आप लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अपडेट नहीं होगे तब तक आपके डिवाइस के अंदर रियलमी 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म शो नहीं करेगा। आपको अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म की डेट क्या देखने को मिलेगी, कन्फर्म रोल आउट डेट एंड यहाँ पे अपडेट आपको कब देखने मिलेगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको आगे बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप एक बात समझ लो कि आपको यहां पे अपडेट को करना कैसे है, मींस के कैसे आपको पता चलेगा कि अपडेट कहां पे देखने मिलेगा। अगर आपने अपने Realme 7 को अपने लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अपग्रेड कर लिया है देन आपको यहां पे जैसे ही बीटा फॉर्म लाइव होगा तो यहां पे आपको जाना होगा अपने सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में। देन यहां पे राइट हैंड साइड पे ऊपर कॉर्नर पे आपको सेटिंग का आइकन देखने मिलेगा। जैसे ही आप वहां पे ट्रैक करोगे तो यहां पे आपको ट्रायल वर्जन शो होगा। देन यहां पे गाइस ओपन बीटा या फिर यहाँ पे ऑप्शन होगा Realme 3.0 अर्ली एक्सेस ओपन बीटा किया गया ये लिखा होगा। देन आपको यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन देखने मिलेगी, यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ के ऊपर टैप कर देना है। अप्लाई नाउ के ऊपर जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपके एक जीमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर की, यहाँ पे आपको फिल कर देना है कुछ भी। यहाँ पे दोनों में से फिल करके यहाँ पे आइए एग्री नाउ के ऊपर टिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। देन सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन डन कर देना है। डन करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो अंडर रिव्यू में जाएगा, जैसे ही अंडर रिव्यू से अप्रूव होता है आपका एप्लीकेशन तो आपको अपडेट तुरंत या फिर 24 आवर के अंदर अंदर कभी भी देखने को मिल सकता है। तो अभी बात करते हैं गाइस प्रोसेस, तो आपको सारा समझ में आ गया कि आपको क्या कुछ चाहिए एंड यहाँ पे ये भी बता देता हूँ स्टोरेज आपको 5GB के अराउंड आपके डिवाइस के अंदर फ्री होना चाहिए एंड 5GB डाटा भी आपके पास होना चाहिए मीन्स के इंटरनेट। भाई मैं आपको मोटा मोटा बात समझा देता हूँ। यहाँ पे अपडेट की बात करें तो यहाँ पे आपको Realme 3.0 का जो अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म जो लाइव डेट है, जो मीन्स के अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म जैसे ही लाइव होगा तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल का। जैसे ही कोई भी अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म लाइव होता है या कोई भी अपडेट आता है तो सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं पोस्ट शेयर कर देता हूँ, ऑफिशियल पोस्ट जो भी आती है। देन उसके ऊपर टेस्टिंग करके जो उसका फुल रिव्यू भी बनाते हैं चैनल के ऊपर वीडियो आ जाती है, तो यहाँ पे जोर से ज्वाइन करके रख लें। अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेड डेट बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड जो डेट है वो एंड ऑफ मार्च रहने वाली है। मुझे लगता है 15 से लेके 25 मार्च के बीच में आपको Realme 7 के लिए अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म लाइव किया जाएगा, जिसके अंदर आपको जो है फॉर्म को बहुत जल्दी फिल करना होता है क्योंकि यहाँ पे यूजर बहुत ज्यादा होते हैं बट फॉर्म जो लाइव होते हैं वो बहुत कम, लाइक 500 फॉर्म लाइव हुए वो जल्दी से फिलअप हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे हैं एक्साइटमेंट किया यूजर को। तो यहाँ पे आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो गाइस यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रख लें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।